पाखो हवा से नहीं आकाश से खतरा है। हेलो हेलो बाऊजी, साहिबा कहाँ पर है बताइए। मुझे नहीं पता पुत्र साहिबा का। दलजीत से बात हुई थी ना आपकी? हाँ, दलजीत का फोन आया था पर उसने मुझे बताया नहीं है कहाँ लेके गया वो। बाऊजी देखिए, झूठ मत बोलिए, साहिबा पर इस बार आकाश से घात होने वाला है। मुझे संकेत फिर मिल चुके। क्या? हर बार मुझे ही संकेत मिलते हैं और प्रोफेसर ने कहा था कि मैं ही हूँ जो उसे बचा सकता है। देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए बाऊजी, प्लीज। पुत्र, मुझे सच्ची नहीं पता है कि दलजीत उसे कहाँ लेके गया है। साहिबा को ढूंढने के लिए पहले दलजीत को ढूंढना होगा। और दलजीत अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलेगा। क्या करूं, दलजीत जी दरवाजा भी बंद करके चले गए। साहिबा, 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 रणवीर, 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 मैं यहाँ। रणवीर कहाँ हो आप? साहिबा, रणवीर यहाँ ऊपर बिल्डिंग में। रणवीर, साहिबा, रणवीर मैं यहाँ हूँ। रणवीर, साहिबा, रणवीर, साहिबा, रणवीर मैं यहाँ हूँ। साहिबा, रणवीर, साहिबा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? चल 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 यहाँ से, चल, तेरे पे घात होने वाला है आकाश से, चल यहाँ से। इस जगह का नाम आकाश साधन है। हाँ रणवीर, मेरे पे एक हमला हुआ भी था, वो लोहे का सरिया मेरे ऊपर आकर गिर गया था। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। दलजीत को तो मैं, रणवीर दलजीत जी की कोई गलती नहीं है, उनका मकसद तो सिर्फ मेरी जान बचाना था ना। लेकिन साहिबा उसको ये नहीं पता है ना कि घात आकाश से होने वाला है। चल यहाँ से, यहाँ पर बहुत खतरा। चल साहिबा जी, आप इसके साथ कहीं नहीं जाएंगी, इसके साथ आप सेफ नहीं है, अब वापस ऊपर जाइए। चलना यार, साहिबा तू चल मेरे साथ में, तेरे पे खास होने वाला। चल साहिबा।
साहब जी तेरे साथ कहीं नहीं जाएंगी। साहब जी आप इसके साथ कहीं नहीं जाएंगी। तू समझता क्यों नहीं है? साहिबा सेफ नहीं है यहाँ पर। रुक जाइए दलजीत जी, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप रणवीर पर हाथ उठाएं। आपको रणवीर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर आप कह रही हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा साहब जी, लेकिन मैं आपको इसके साथ नहीं जाने दूंगा। दलजीत जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जगह हम तीनों के लिए सेफ नहीं है। मुझे लगता है हम तीनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों, अभी तक आपके साथ कुछ गलत हुआ नहीं? हुआ ना, लेकिन आप इसके साथ जाएंगी ना साहिबा जी? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तू समझता क्यों नहीं, साहिबा को आकाश से कहा था इस वक्त। सब झूठ है, इसके खून खून में झूठ है साहिबा जी, भूल गई आप? इसने आपको ब्लैकमेल करके आपसे शादी करी थी। मैं तुझे ये सीडी दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझसे शादी करनी होगी। जो आदमी आपको ब्लैकमेल करके शादी कर सकता है, इसके लिए झूठ कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ तू झूठ बोल रहा है। वो डीएनए रिपोर्ट कौन लेकर आएगा? उस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा साहब जी। अगर मैं यहाँ तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ तो डीएनए कैसे मैच हो गया मेरा? बोल, ये लेकर आया था ना रिपोर्ट? पूछना इससे कहाँ से आई वो रिपोर्ट? झूठ बोल रहा साहब जी। एक मिनट, और ये तो कुछ भी नहीं है साहिबा, सच तो इससे भी बड़ा है। मुझे अगवा करके पागलखाने इसी ने भिजवाया था। बता रणवीर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं दलजीत जी को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ दलजीत जी तो भगवान है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सबूत लेकर आया हूँ मैं, ये उस वार्ड पे बंटी का फोन है। याद है बंटी? हाँ याद है बंटी। पिछली बार तेरे भागने की वजह से मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले थे, पूरे 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ था। मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैं उन्हें सर जी कहके बुलाता, मेरे मोबाइल में उनका नंबर है। तू ये ना उसका सर जी, ये उसका फोन है, ले मिला सर जी को। फोन मिला, मिला मिला ना फोन, कर फोन। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं साहब जी, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। चलिए रणवीर। नहीं साहब जी, इस इंसान की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अभी भी आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं साहिबा जी। आप समझ रहे हो आपने क्या किया? आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ धोखा किया। इतनी घटिया हरकत की आपने दलजीत जी। साहिबा हमारे पास ये इसे बकवास का टाइम नहीं है। देख आकाश से घात होने वाला है, तू चल यहां से, तू यहां पर सेफ नहीं है। चल चल यहां से। रणवीर दलजीत
रणवीर जी प्लीज रुक जाइए। साहिबा जी साहिबा जी मत छुइए मुझे दलजीत जी, हाथ मत लगाइए मुझे। इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे, बन गए ना आप रणवीर जैसे। नहीं, ये सब करने से पहले आपने एक बार सोचा भी नहीं कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। साहिबा जी मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे इससे तो आपको पाने के लिए मेरे साथ क्या क्या किया। यही तो फर्क था आप में और रणवीर में दलजीत जी, और इसीलिए रणवीर के साथ रहते हुए भी मैं मन से सिर्फ आपकी थी, सिर्फ आपकी। लेकिन आज आपने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। साहिबा जी एक बार बात सुन लीजिए। साहिबा जी क्या कहना चाहते हैं आप, कि ये सब आपने मेरे लिए किया? प्लीज दलजीत जी प्लीज, ये सब कह के प्यार को और बेइज्जत मत कीजिए। दलजीत जी प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे सीखा था दलजीत जी, लेकिन लगता है आप सब भूल गए, सब कुछ धोखा दिया है आपने मुझे, विश्वासघात किया है मेरे साथ। मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। रणवीर प्लीज चलिए यहां से, मुझे घर जाना है। साहिबा जी मेरी बात सुनिए ना। सीधा तू क्या लागे, लो टूटे कच्चे धागे, फिरे दिल मारा यार दा छूटा सहारा, क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला अब दर में बता दे, हाँ बता दे रब्बा, की करां मैं हूं की करां वे, हाँ बता दे रब्बा। तेरे बिना जिया ना मोरा लागे, तेरे बिना
ये मैंने क्या कर दी, मुझे माफ कर दीजिए साहिबा जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी जान, मैं अपनी साहिबा जी को दुखी नहीं कर सकता। किसे पता करिए? पापा जी, मम्मी जी दिया आ गई। साहिबा, पुत्र तू ठीक तो है ना? ठीक है पुत्र, चोट तो नहीं लगी ना पुत्र? रणवीर कितने? रणवीर! पत्ती हो गया? हाथ तेरे चोट लगी है? चोट कैसे आ गई बच्चे? वो क्या है? रणवीर बैठ। अब बैठ जा। कैसे है? इतनी लगी हुई है। वो तेरी हालत किसने की है? तू 10 महीनों। मेरे ऊपर आई हर मुसीबत रणवीर ने अपने पे ले ली। क्या मतलब पुत्र? मैं समझा नहीं। मतलब ये पापा जी कि कभी कभी सब कुछ हमारे सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तेरा मतलब क्या पुत्र? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बाबूजी, वो कह रही है कि सब हमारे सामने ही है ना, तो जो हो रहा है आकाश पानी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। साहिबा पूछे, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों अपने घर वापस आ गए हो, सब ठीक हो जाना है। पूजी, आप अकेले आई हो? पापा जी कहाँ हैं? साहिबा पुत्र, पता नहीं हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। पुत्र, तुम दोनों प्रसाद ले लो, मैंने पाठ करा था, पापा सब ठीक कर देंगे। नहीं बेबे, मुझे अकेले क्यों आई है यहाँ पे? साहिबा तू चल आराम कर ले थोड़ी देर, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? आप अकेले क्यों आई हो बूजी? उसने भरोसा करके मैंने उसको साहिबा का जाने दिया। वो धोखेबाज आपका बेटा। धोखेबाज वो नहीं है, धोखेबाज तो तेरी बीवी है। हाँ बूजी, यहाँ पे ना पुत्र, वो पुत्र तू सारी चिंता छोड़ और ऊपर जा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक सेकंड पापा जी। पूजी सच बताइए, आप यहाँ पर इसीलिए हैं ना? क्योंकि उस रोज मेरी आंटी जी से जो बहस हुई थी वो पूजी और इस परिवार के दुखों का कारण मैं ही हूँ, और अब इस परिवार की खुशियां वापस लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा।